अच्छा ऐसे बच्चे का सवाल था, बोलते ये जो डाक टिकट जब बिकती है आपको कमीशन मिलता है? आज तक तो नहीं आए. नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जैसे अभी डाक वाक तो बहुत कम हो गई आजकल, कुरियर वुरियर होते वैसे, पर आपके फोटो की टिकट जब बनी तो आपने शो ऑफ के लिए अपने रिश्तेदारों को ऐसी चिट्ठियां लिखी कि देखो हैं? ऐसे कभी नहीं हुआ? I wish मैं कर सकती थी एक काम, but unfortunately 21st सेंचुरी में सब बंद हो चुका है एक्चुअली. सो वो सारे लॉकर पे ही है, आपको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ. अच्छा ऐसे कई लड़कों का कहना है, ऐसे ही बोल रहे थे मुझे, बोलते जो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां होती है वो बड़ी गुस्से वाली होती है, ये सच बात है? ये बहुत गुस्सा करती है ग्राउंड पे. जूलन आपको गुस्सा आता है? ग्राउंड पे तो आना चाहिए क्योंकि तो जो लड़के इनको लाइक करते प्रपोज करना चाहते ग्राउंड के बाहर कर सकते हैं. कुछ सवाल ऐसे होते हैं मेरे को दे देते हैं जो ऑडियंस में आते हैं ना लोग, जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे हरी शर्ट वाले, नहीं तोता बन के बैठे हुए हैं. मेरे को बोलते हैं कि जब ये जो मेल क्रिकेटर होते हैं जैसे विराट हो गया, धोनी हो गया, भज्जी हो गया, युवी पाजी हो गए, ये लोग जब ऐसे फिल्मी एक्ट्रेस से शादी करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता कि अपने एरिया से बाहर निकल के दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं? अरे इनका सवाल था मेरा. पर ऐसे शादी वादी का नहीं अभी सोचना, आप लोग उम्र में बहुत छोटी हैं अभी, अभी आप खेल पे फोकस करें, हमारे देश के लिए और सारे प्राइजेज जीत के लाए. धन्यवाद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. मैं जूलन के बारे में आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, हालांकि आपको पता ही, इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, am I right? बिल्कुल. उसके बाद इन्होंने अपना वनडे डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट किया, फिर 2006 में T20 डेब्यू भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ही किया. इंग्लैंड के खिलाफ आपने इतनी पारियां खेलनी, आप क्रिकेटर बनने आए थे दुनिया में क्या अंग्रेजों से बदला लेने आए? देखो बचपन में आपने भी हिस्ट्री के बुक्स पढ़ लिया होंगे. हाँ जी. तो उसके बाद वो खुन्नक से आ गए थे, इंग्लैंड के साथ ही सब कुछ करना है. बिल्कुल अच्छी बात. कैप्टन भी ऐसे थे जो चल तू जा इंग्लैंड के साथ मैच है, जा बॉल डाल के आ. अच्छा बॉल डाल ली हो गया राइट. बेटा आपको ड्रेसिंग रूम का डॉन क्यों कहा जाता है? मैंने खुद को नाम दिया था कि मैं डॉन. क्या आप वहाँ पे कुर्सी लगा के दूसरी लड़कियों के हाथों से अंगूर खाती हैं आप? नहीं ऐसी घूमती रहती हूँ, छेड़ती रहती हूँ लोगों को, तो खुद को डॉन बोल के घूमती रहती हूँ, कोई मानता नहीं है बट ठीक है. अच्छा मैच जब होता है तो आप स्कोर्स बनाते हैं या विकेट लेते हैं, दर्शक बड़ी सीटियां बजाते हैं ना, तो जब कभी आप बाउंड्री के पास खड़े रहते हैं आपको कैसे आइडिया रहता है कि ये चौके छक्के पे सीटियां बज रही हैं, हमें देख के मारे हैं निठल्ले कहीं के, ऐसा भी तो होता होगा? वो अलग अलग तरीके के सीटियां होते हैं ना, छेड़ने वाली सीटी अलग होता है. कैसे कैसे आपको पता होगा? नोटी कर ले हमारी टीम की. आई लाइक दैट. एक बार करके तो दिखाओ. क्या डेमो सिटी? मेरी सिटी बच चुकी है आपको पता ही. मेरी अब निकलती नहीं है सिटी, मेरी लीक हो जाती. मैंने पहले भी कभी ऐसे बजाई नहीं, ऐसे कभी इफ टीजिंग आई हेट एंड आई हेट दोज बॉयज सीरियसली वेदा कसम से. आप इतना टीज करते हो जब दीपिका आती है. ये लड़की तैयारी करके आई है मेरी वाट लगा रही है. नहीं वो पुरानी बातें हैं, उसकी भी शादी हो गई हमारी भी हो गई. अभी क्या जिंदगी में ले दे के कुछ बचा नहीं था. ओ डकवर्थ लुईस की छोटी बहन. ये हुलिया क्या बना के रखा है ये? What is this rubbish? It is not rubbish, ये क्रिकेटर की पहचान है. मुंह पे चूना लगाने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता. अभी देखना इसने मुंह पे चूना लगाया ना, थोड़ी देर में तो कत्था लगाएगी. फिर लगाएगी किमाम. मेन काम इसका पान लगाने का है बेसिकली. ये तो ऐसे ही आ गई है. कपू ये सनस्क्रीन है. जैसे तेरा मुंह स्क्रीन गार्ड लगाया करते. जितना स्क्रीन गार्ड लगवाना है लगवा लो, तुम्हें तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आगे मेरे पीछे होंगे. हाँ हाँ हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पे काला कपड़ा. और खबर छपेगी मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार.
क्रिकेटर ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। उन लड़कियों ने पता कितनी मेहनत की है? हाँ तो मैंने भी की है, मैं एवी थोड़ी ना बन गई हूँ क्रिकेटर। अरे ऐसे ऐसे शॉट्स मारती हूँ कपूर, तुम क्या शॉट मार के दिखा, शॉट मार के दिखा। लवली वाह वाह वाह, शॉट मार रही, चिल्लम मारना छोड़ दिया तू। अभी शॉट मार रही ना, थोड़ी देर बाद ये ना सेब मारेगी, फिर अंगूर मारेगी, जेब मारेगी। ये मारने में तो इनके खानदान का जवाब ही नहीं है, और धीरे धीरे करके आपके पर्स भी मार सकती है ये बल्ला भी पक्का किसी का मारा होगा इसने। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा हेलीकॉप्टर शॉट देख के वो धोनी सर बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है बैट। काम तेरा बछड़ों के डायपर धोने का। बातें एमएस धोनी की कर रही, क्यों झूठ बोलती बुरी इतना? देखो डायपर धोने का जॉब हाफ टाइम है, फुल टाइम मैं क्रिकेटर हूँ। ओके वैसे मिताली आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी रेलवे की तरफ से खेला है। हाँ बिल्कुल, पहले बात मैं ये बता दूं, पटरी पे बैठ के ताश खेलना उसको ये नहीं कहते कि रेलवे की तरफ से खेल रहे हो। झूठ बोल रही है ये ना, कुछ भी कहता रहता है। मुझे क्रिकेट मेरे दादाजी ने सिखाई है, पता है कितने बड़े बैट्समैन थे वो। अरे वो जो डाइव मार के फिर वो कैच भी करते थे ना, वाज अ बिग क्रिकेटर। पूरा बता कहाँ पे करते थे कैच? रेलगाड़ी नहीं निकलती, लोग पानी पी के बॉटल नहीं फेंकते ऐसे करके कैच। वो उसमें दोबारा पानी भर के 5-5 रुपए की बेचते मिनरल वाटर। देखो तुम जानते नहीं मेरे दादाजी को, वो फील्ड पे उतरते ही धो डालते थे, बड़ी पाइप लेके जाते थे, कहते पीछे हट जाओ। हाँ क्रिकेट में ही धोते थे, मैं बोल रहा हूँ बॉल जब नाली में चली जाती धो के वही लाते। अरे बैट से बॉलर को धोते थे। ओह अच्छा। अरे कदमों का इस्तेमाल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। हाँ आपको पता है पूरा कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है, कदमों का इस्तेमाल करते करते पैदल दिल्ली निकल जाती है। फिर कदमों का इस्तेमाल करते करते किसी की शादी में घुस जाती है। उस दिन तो पकड़ लिया इसको दूल्हे के बाप ने। हाँ कढ़ाई पनीर खा रही थी, अच्छा पनीर खाने के बाद कढ़ाई ढूंढ रही थी, कढ़ाई कहाँ है? इतना सैड जोक था ना तुम्हारा, अब तुम बोलोगे कि मैं तवा पुलाव में तवा भी ढूंढ रही थी। हाँ तो केटरिंग वाला ढूंढ रहा था, कहता पुलाव खा गई तवा तो वापस कर दे। देखो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मैंने ऑल इंडिया अंडर 17 के कैंप में भी जा चुकी हूँ। वो नशा मुक्ति कैंप था। देखो जिसे स्पोर्ट्स का नशा हो उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स का नशा तो है इसको, ये जो बैट है ना बैट, इसके जो ग्रिप है ना रबड़ की, उसको जला के सूंघती है। इस आदमी के पास ना हर बात का एक फालतू जवाब होता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ओके ओके मिताली मैं क्या बोल रही हूँ कि वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे, तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेस्ट फिनिशर बन सकती हूँ। हाँ हाँ ले लो, बहुत अच्छा फिनिश करती है, किसी की जूठी दाल पड़ी हो ना ऐसा चाट के फिनिश करेगी ना ये। वो ऐड नहीं आता, वो जो ऐसे बर्तन धोने वाला उसमें दिखाते ना 99.9% कीटाणु, उसमें एक दो रह जाते ना, ये वो भी साफ कर देती है। बकवास बोलने का अवार्ड शो हो ना तो इन्हें वो पहला अवार्ड मिलेगा। थैंक यू। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो क्रिकेट फील्डिंग का सेटअप मैं कर सकती हूँ। फील्डिंग तो ऐसी लगाती है ना ये कि एटीएम से पैसे निकलवा के कोई भाग नहीं सकता। इसका 13-14 लड़कों का ग्रुप है इसके साथ, ये 10 साल से छोटे और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को लूटती है, क्योंकि बीच वाले पीट जाते हैं तो इनका एक पूरा गिरोह है इनका। देखो तुम डिविएट मत हो टॉपिक से, मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे अपनी टीम में ले लें तो वुमेन ऑफ द मैच का जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगी। गरीबों मतलब इसकी फैमिली। मैं तो आपकी इसकी हरकतें नहीं मैं बताता, ये ऐसे ही सुंदर सुंदर बन के आई थी, पता क्या हरकतें करती, शरीर के साथ चुंबक बांध के ना वो दरिया में कूद जाती, सिक्के निकाल के लाती है। एक बार तो इतने चिल्लर इकट्ठे हो गए, खुद 37 किलो की 50 किलो चिल्लर डूबने लगी थी। तुम
बड़ा फॉलो करते हो मुझे। हाँ तो करते हैं। और तुम जो बोल रहे हो ये मेडल्स क्या मुझे लूडो में मिली है फिर? हाँ बेटा निकाल के देखो, मेडल पकड़ के देखो जरा, पकड़ के ये इतनी झूठी ना भी पता चल जाएगा, दबा के देखो ये चॉकलेट है ये। अभी दो मिनट और खड़ी रहती मेडल पिघल जाता है इसका। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.